नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पारस होम्योपैथी के अंदर। मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट जो कि 15 सालों से जोधपुर राजस्थान में अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूं। आज आपसे चर्चा करूंगा दोस्तों फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट या ब्रेस्ट लंप के बारे में, यानी स्तन की जो गांठ होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, उसके बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे जो हमारे नए वीडियोज आ रहे हैं उनकी जानकारी आप तक पहुँचती रहे। चलिए दोस्तों चर्चा स्टार्ट करते हैं। फाइब्रोएडिनोमा या लंप या ब्रेस्ट की गांठ या स्तन की गांठ, इन कॉमन नाम से बोला जाता है, लेकिन अपने किसी भी माता या बहन के अंदर ये प्रॉब्लम होती है तो अपना सीधा ध्यान जाता है कि आप उनको कहीं ना कहीं कोई कैंसर तो नहीं है, या बिल्कुल पैनिक हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम से यूँ एबनॉर्मल होने लगते हैं कि क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया। तो दोस्तों इसके अंदर किसी तरीके घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट एक नॉन कैंसर डिजीज है, जो ब्रेस्ट के अंदर गांठ होती है बहुत रेयर चांसेस के अंदर वो कैंसर हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो फाइब्रोएडिनोमा है वो नॉन कैंसर होती है। इसकी एज के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, इसका कारण है कि ये किसी भी एज के अंदर मिल सकती है, लेकिन जो ज़्यादा प्रोमिनेंट एज होती है 15 से लेकर 35 साल की महिलाओं के अंदर देखने को मिलती है। ये जो गांठ है छोटी से लेके कुछ बड़ी भी हो सकती है और पेन भी इसके अंदर रह सकता है या पेनलेस भी ये गांठ हो सकती है। या जो महिलाएं अपने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करती हैं उसके दौरान भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो गांठ होती है वो मूवेबल होती है, इसलिए इसको माउस भी बोला जाता है, ब्रेस्ट माउस बोलते हैं, यानी चूहे की तरह अपना आप हाथ लगाओ तो कभी इधर चली जाएगी कभी उधर चली जाएगी, ये फिक्स नहीं होती है, इधर उधर मूवमेंट करती रहती है। तो इसका करेक्टरिस्टिक सिम्टम भी यही है कि ये जो कैंसर की गांठ से ये इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैंसर की जो गांठ होती है वो मूवेबल नहीं होती है, यानी फिक्स हो जाती है, ऊपर की स्किन है उसको हिलाएंगे तो साथ में वो मूवमेंट करेगी, या अंदर के जो टिश्यू होते हैं उनके अंदर फिक्स हो जाती है कैंसर की गांठ, लेकिन ये जो गांठ होती है फाइब्रोएडिनोमा जिसको लंप भी बोलते हैं वो मूवेबल होती है, मूवमेंट करती रहती है इधर से उधर, सबसे खास इसका सिम्टम। दोस्तों इसके साथ में जो भी आप एग्जामिन करते हैं या डॉक्टर को दिखाने जाते हैं इसके लिए ये जो डिजीज है अपने आप ही ठीक हो सकती है, या इसके अंदर कई बार ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, या कुछ जो केस होते हैं इनके बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि कंटिन्यू फॉलोअप में आपको या बिल्कुल निगरानी में रखना चाहिए कि कहीं इसके अंदर कोई चेंजेस तो नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें ध्यान रखने की होती है फाइब्रोएडिनोमा के अंदर। इसके मेजर कोज क्या होते हैं या हार्मोन चेंजेस की वजह से डेवलप होती है, चाहे वो हो सकता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करते हो, किसी तरीके कोई हार्मोन थेरेपी यूज़ करते हो, किसी तरीके की कोई हार्मोन पिल्स यूज़ की जाती हो, या आज की जो कॉमन लाइफस्टाइल के अंदर देखने को ये मिलता है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से, स्ट्रेस की वजह से काफ़ी सारे के बॉडी के अंदर हार्मोन चेंजेस होते हैं, या जो इनकी ओबिसिटी ज़्यादा होती है, मोटापा ज़्यादा होता है, उनके अंदर भी ज़्यादा चांसेस होते हैं फाइब्रोएडिनोमा। या कुछ जो केस होते हैं जेनेटिकली भी होते हैं, जिनके अंदर पेरेंट्स के अंदर ऐसी चीज़ होती है तो उन बच्चों के अंदर भी हो सकती है, फीमेल्स के अंदर हो सकती है। अब अपन बात करें कि दोस्तों इसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए या इसका डायग्नोसिस कैसे करना चाहिए कि आपको फाइब्रोएडिनोमा ही है। फाइब्रोएडिनोमा के लिए दोस्तों आप मेमोग्राम करवा सकते हैं, लेकिन अर्ली एज के अंदर मेमोग्राम एडवाइस नहीं किया जाता है, या 35 या 40 साल की उम्र के बाद में मेमोग्राम एक एक दो दो साल से रिपीट करते हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स की सलाह से किए जाते हैं, या अल्ट्रासाउंड से भी आप इसके अंदर पता कर सकते हैं, या कोई कन्फ्यूजन रहता है तो कन्फर्म डायग्नोसिस के लिए एफनेसी कर सकते हैं या बायोप्सी की जा सकती है। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है, काफ़ी सारे डॉक्टर इसको सर्जरी एडवाइस नहीं करते हैं, यानी कि ये जो हार्मोन ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसकी वजह से ये ठीक हो सकती है, लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो होम्योपैथिक मेडिसिन से बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी हार्मोनल ट्रीटमेंट के जो कि साइड इफेक्ट युक्त होता है उससे बचा सकती हैं और इसको आसानी से डिजोल्व करते हुए नॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर ला देती है होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों उन मेडिसिन के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन नेचुरल वे के अंदर फाइब्रोएडिनोमा या लंप को ठीक कर सकती है, जो कि कुछ महीनों का टाइम ले सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपका जो फाइब्रोएडिनोमा है किस साइज में है, छोटा है बड़ा है, उसमें उस तरीके से ही टाइम लगता है। और ये जो ट्रीटमेंट होता है टोटल ही विदाउट साइड इफेक्ट होता है, किसी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं होता है, ना ही बॉडी के अंदर किसी तरीके का हार्मोन इम्बेलेंस करती है। इवन ये भी होता है कि अगर आपका हार्मोन इम्बेलेंस की वजह से ये डेवलप होती है तो उसको भी बैलेंस करने की कोशिश करती है और नेचुरल वे के अंदर इसको ठीक कर सकती है।
सबसे टॉप लीडिंग मेडिसिन में दोस्तों आती है स्क्रोफ्लुरिया नोडोजा। स्क्रोफ्लुरिया नोडोजा जो मेडिसिन है उसकी मदर टिंचर एक ट्यूमर को डिजोल्विंग पावर करने वाली ये मेडिसिन होती है। किसी भी तरीके की अगर ट्यूमर होती है उसको ब्रेस्ट से रिलेटेड या अदर पार्ट्स के अंदर भी कोई ट्यूमर है तो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से डिजोल्व करती है स्क्रोफ्लुरिया नोडोजा। इसकी जो मदर टिंचर को इस्तेमाल किया जाता है 10-10 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 से 4 बार दी जा सकती है। सेकेंड जो मेडिसिन आती है दोस्तों इसके लिए प्रोमिनेंट मेडिसिन होती है कोनियम मैक। कोनियम मैकुलेटम 200 के अंदर मेरे प्रैक्टिकल अनुभव के तहत इसको यूज किया जाता है और उन केसेस के अंदर दी जाती है कोनियम मैक जिनके अंदर नोड्स होते हैं वो पेनफुल होते हैं या जो फाइब्रोएडिनोमा हो पेनफुल होता है मेंसेस से पहले वो मेंसेस के दौरान और उसके अंदर पेन आपको महसूस होता हो तो उन केसेस के लिए कोनियम मैकुलेटम 200 की 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार दी जा सकती है। दोस्तों थर्ड मेडिसिन आती है फाइटोलेका डिकेंड्रा। फाइटोलेका डिकेंड्रा की पावर जो है 30 पावर के अंदर इसको यूज करनी चाहिए और इसके जो केस होते हैं उनके अंदर ब्रेस्ट के अंदर पूरे ब्रेस्ट के अंदर आपको टेंडरनेस लगती है साथ में फाइब्रोएडिनोमा भी होता है और हल्का सा सेंसिटिव होता है यानी कि जो ब्रेस्ट होता है वो सेंसिटिव होता है हाथ लगाने से बड़ी सेंसिटिव अंदर से महसूस होता है बाहर से ऊपर से भी महसूस होता है। उन केसेज के अंदर फाइटोलेका डिकेंड्रा का रोल बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। दोस्तों उसके बाद जो मेडिसिन आती है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस उन केसेज की अच्छा वर्क करती है जहां पर किसी तरीके की कोई सर्जिकल स्कार रहता है या किसी एब्सेस का स्कार बना हुआ रहता है उसके अंदर अगर कोई नोड्स बनता है नोड्यूल्स डेवलप होता है या लंप डेवलप होता है उसको डिजोल्व करने का काम करती है ग्रेफाइटिस और उसकी रिकरेंस को भी रोकती है यानी कि उसकी बार बार बनने वाली जो नोड्स नोड्यूल्स होते हैं उनको भी ये बनने से रोकती है। इसकी जो पावर है 200 के अंदर यूज की जाती है 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार इसको ली जा सकती है। अब दोस्तों उसके बाद जो मेडिसिन आती है पल्सेटिला। पल्सेटिला जो मेडिसिन है वो 30 पावर में यूज की जाती है वो उन केसेज के ज़्यादा वर्क करती है जिनके अंदर मेंसेज होता है स्केंटी होता है सप्रेस्ड होता है यानी जो महीना आता है बहुत कम आता है वो लंबे समय तक चलता रहता है ऐसे मेंसेज और उनके साथ में जो गर्ल्स होती है प्यूबर्टी एज के अंदर होती है उनके अंदर फाइब्रोएडिनोमा होता है उनके अंदर बेहतर वर्क करती है पल्सेटिला 30। इसकी 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार दी जा सकती है। अब लास्ट जो मेडिसिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है दोस्तों केलक्रिया फ्लोर 6x। सबसे टॉप लीडिंग मेडिसिन उन केसेस के लिए है दोस्तों। इस मेडिसिन को केलक्रिया फ्लोर 6x के 4-4 गोली दिन में 3 बार देनी चाहिए उन केसेस में ज़्यादा वर्क करती है जहाँ पर लंप के अंदर या फाइब्रोएडिनोमा के अंदर हार्डनेस रहती है बिल्कुल हार्ड नज़र आती है पेल्पेट करने की वजह से करते हैं तब तो ऐसी जो फाइब्रोएडिनोमा होते हैं उनको डिजोल्व करते धीरे धीरे सॉफ्ट करते हुए पूरी तरीके से ये बहुत ही बेहतर तरीके से ठीक करती है केलक्रिया फ्लोर 6x। दोस्तों ये जो मेडिसिन है आप किसी भी अच्छे क्वालिफाइड होम्योपैथी कंसल्टेंट से राय लेके ही यूज करें। अगर आपको हमारे से कंसल्ट करना है तो आप हमारे दिए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों हमारा जो कंसल्टेंसी है टोटल ही पेड रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें शेयर करें और कमेंट जरूर करें। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ जियो जिंदगी किरण होम्योपैथी के संग। धन्यवाद दोस्तों।